आज हम सब लोग दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग भरना सीखेंगे। कोई भी चित्र दिया गया है तो उसको भिन्न के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, और ये ध्यान रखना है कि भिन्न का हर जितना होगा उतने ही चित्र के टुकड़े होंगे। जैसे इस भिन्न का हर है चार, तो इस चित्र में टुकड़े हैं चार। इसी तरह से इसमें भिन्न में इसका हर आठ दिया हुआ है तो इसके टुकड़े होंगे आठ। ठीक, इसी तरह से इसमें भी होंगे। अब हमें करना क्या है, जितना ये इसका अंश दिया हुआ है, जितना हर है उतने टुकड़े हैं, और रंग भरना है जितना इसका अंश दिया हुआ है। तो अंश कितना है तीन, तो इसके तीन टुकड़ों को हम कलर कर देंगे इस तरह से, एक दो और तीन। ये भिन्न के अनुसार इस चित्र का कलर हो चुका है, अर्थात इसमें रंग भर दिया गया है। इसी तरह से ये इसका हर है आठ, इसमें टुकड़े हुए आठ, और रंग भरना है पांच टुकड़ों में। ये लो यहां से एक दो तीन चार और पांच, इस तरह से ये पांच बटे आठ भाग इसका रंगा हुआ है। अब दूसरा चित्र है, ये लिखा है दो बटे छह, अर्थात इसमें छह टुकड़े हैं, और रंग भरना है हमको दो, जितना इसका अंश है, इसका अंश है दो, इसलिए इसके दो टुकड़ों में रंग भर देना है। ऐसे कर देंगे एक दो, और ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर रंग किया जाए, हम यहाँ भी दो टुकड़े कर सकते हैं, इधर भी दो टुकड़े कर सकते हैं, या इसमें भी इधर से आठ गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी भिन्न दिया गया है तो जितना भिन्न है उसके टुकड़ों में रंग भरने के लिए इस तरह से गिन के आसानी से रंग भर सकते हैं।